और जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए जैसे जैसे मतदान की तिथियां नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे जिले में नेताओं का दौर भी बढ़ता जा रहा है। एनडीए प्रत्याशी चंद्रेश्वर चंद्रवंशी के पक्ष में हुलासगंज हाई स्कूल के मैदान में चुनावी सभा आयोजित की गई, जिसमें भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह एवं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हुंकार भरी, जहां उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला और कहा कि चुनाव के बाद लालू यादव मस्जिदों में जाएंगे तो वहीं राहुल गांधी घूमने के लिए निकल जाएंगे। जहानाबाद में भूमिहारों के नाराजगी के सवाल पर इशारों में कहा कि हम बताशे के लिए मंदिर नहीं तोड़ सकते। एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी एक मुखौटा है, चुनाव नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को वोट दे। नहीं किया हमने, बेचारा पहले खाता खोल ले। पिछले बार भी खाता नहीं खुला था आरजेडी का, इस बार भी बिहार की जनता वहाँ बिहार में आरजेडी का खाता नहीं खुलने दे। कोई नाराजगी नहीं है, अति पिछड़ा का सम्मान शर्मा और वर्मा सब मिलकर करेंगे और पूरा बिहार पूरी तरह नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी 40 सीट जीतने का काम करेंगे। बताइए, जहानाबाद की सीट इस बार नरेंद्र मोदी के झोली में जाएगा, फिर से लालू की झोली में नहीं जाएगा, क्योंकि ये जहानाबाद 90 का जंगल राज देखा है, जहानाबाद का दंगा देखा है, इसलिए इस बार देश को एक मजबूत प्राइम मिनिस्टर चाहिए। शर्मा वर्मा का क्या मामला है अध्यक्ष जी, बीजेपी के शर्मा और वर्मा सब एक साथ जुट करके वोट देंगे, शर्मा और वर्मा सब साथ हैं।